नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा पटवारियों का धरना प्रदर्शन कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से शुरू होगा। यह जानकारी खुद राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निम्बेवाल ने दी है और इस संबंध में उनकी प्रदेश महासमिति की एक बैठक वर्चुअल हो चुकी है। आपको बता दें कि ग्रेड पे 3600 सहित अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों का धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर 15 फरवरी से चल रहा था। इसी दौरान कई दौर की वार्ताएं सरकार से भी हुई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कुछ दिनों पहले कोविड की दूसरी लहर के चलते फैलने वाले संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजस्थान पटवार संघ ने शहीद स्मारक पर चल रहा अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। उस समय राजस्थान पटवार संघ ने ऐलान किया था कि केवल धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि अपने आंदोलन के चलते राजस्थान पटवार संघ ने अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार भी किया हुआ है। सभी पटवारी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से ही लैप्ट हो चुके हैं और क्रॉप कटिंग का भी बहिष्कार किया हुआ है। यह सभी कार्य आंदोलन के चलते आगे भी जारी रहेंगे। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निम्बेवाल ने बताया कि जैसे ही कोविड की स्थितियां सामान्य होगी वैसे ही शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश महासमिति की वर्चुअल हुई इस बैठक में यह निर्णय किया गया है। निम्बेवाल ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक उनका आंदोलन इसी रूप में चलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि कोविड की परिस्थितियां सामान्य होते ही प्रदेश महासमिति की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। राजेंद्र कुमार ने बताया कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देने के चलते राजस्थान के पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। आम जनता भी अपने कामों को लेकर परेशान हो रही है और इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद भी प्रदेश सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। यह सरकार का अलोकतांत्रिक तरीका है। राजस्थान पटवार संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग भी की है कि वे जल्द ही हमारे मांग पत्र पर ध्यान दें और हमारी मांगों को माने।